लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव अब कुछ महीनों के फासले पर है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में जो सियासी चक्रवात दिख रहा है उसने बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी की धड़कनें तेज कर दी हैं। उन्हें शायद इस वक्त याद आ रहा होगा अमित शाह का वो टारगेट 22 जो कुछ महीने पहले बंगाल में ही आकर सेट किया गया था। बंगाल की खाड़ी बड़े चक्रवाती तूफान पैदा करता रहा है, जिसका जोरदार असर दूसरे तटीय राज्यों पर जबरदस्त तरीके से होता रहा। लेकिन उसी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम बंगाल राज्य में एक ऐसा सियासी चक्रवात उठता नजर आ रहा है जो आने वाले कुछ दिनों में वहां की राजनीति को बुरी तरह झकझोर सकता है। लोकसभा चुनाव लगभग दहलीज पर ही हैं, लेकिन उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुखिया ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले ही सियासी पिच पर ममता की एक विकेट उखड़ गई है। टीएमसी के सांसद सौमित्र खान ने टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन जो थामा, लेकिन माना जा रहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में जो चर्चाएं जोरदार ढंग से गूंज रही हैं, उनके मुताबिक टीएमसी के 5 और सांसद ममता दीदी को गुड बाय कहते हुए जल्द ही बीजेपी के रंग में रंग सकते हैं। अगर सियासी चर्चा में वाकई दम है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ रखने वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने ही सांसदों की ऐसी बेरुखी उसकी चुनावी प्लानिंग को पट्टा लगा सकती है। साल 2014 में हुए आम चुनाव में 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा 34 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इन लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को पिछले एक साल में खूब एक्टिव देखा गया। चर्चाएं कुछ यूं भी नहीं कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल में तृणमूल पॉलिटिक्स को क्रैक करने की रणनीति तैयार की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल को बेहद संजीदगी से देख रहे अमित शाह खुद इस राज्य के लिए टारगेट 22 सेट कर चुके थे, जिसके लिए वो पिछले कुछ महीनों से बेहद एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा इस बीच कुछ इस तरह की चर्चाएं भी बेहद गर्म रही कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से बड़े चेहरों को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई थी। राजनीतिक पंडितों ने इस बात का अंदाजा भी लगाया था कि बीजेपी के निशाने पर तृणमूल कांग्रेस के ही वो सांसद हैं जो प्रदेश में अपनी बेहतर पकड़ रखते हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसद सौमित्र खान को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके इस फैसले के बाद जिस दूसरे नाम पर चर्चा शुरू हुई है वो है बोलपुर से टीएमसी सांसद अनुपम हजारे। हालांकि बीजेपी ने कई दूसरे सांसदों के संपर्क में होने की बात तो कही, लेकिन उनके नाम अब तक उजागर नहीं हुए। 2014 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में महज 2 सीटों तक सिमटी बीजेपी और खासतौर से बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक कौशल की अग्नि परीक्षा ले सकता है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।